नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं आपको आपका खुद का अपना यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लास में स्वागत करता हूं दोस्तों। मैं और मेरा नाम अनिश मिश्रा दोस्तों। मैं आप लोग को इंटरमीडिएट्स का एक चैप्टर था सीमा और अकुलाज, आप लोग ने यूट्यूब पे देखा होगा। काफ़ी दिन से ये वीडियो चल रहा है, चैप्टर कम से कम नहीं तो 8-9 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों काफ़ी लंबा खींच रहा है, तो इसलिए खींच रहा है दोस्तों कि मैं पूरा एक मतलब कि जो दो तीन किताब होती है आपका एनसीईआरटी बुक हो गया, डॉक्टर स्वरूप शर्मा हो गया, और मैं बता देता हूँ आपको ठीक है, भगवा स्वरूप शर्मा हो गया आपका, मिश्रीलाल जोशी हो गया, तो 3-4 राइटर की बुक है मेरे पास। तो मैं उसमें से जो क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो वो सारे क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूँ दोस्तों, इसलिए लंबा चैप्टर जा रहा है। चलिए दोस्तों फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। आप लोग बस करें आराम से पढ़ते रहिए बस ठीक है। चैप्टर ये ना सोचिए कि चैप्टर खत्म नहीं हो रहा, चैप्टर खत्म नहीं हो रहा दोस्तों, चैप्टर खत्म होगा और दूसरे चैप्टर पे भी आएंगे ठीक है दोस्तों। तो पहले हम लोग सीमा और अकुलज को पूरा संपूर्ण पढ़ लेते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ आज की क्लास का, लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि लिमिट एस टेंड टू जीरो अंडर रूट एक्स प्लस वन, मतलब वन प्लस एक्स फिर माइनस का अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर एक, मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, तो मैं एलएचएस को लेकर चलूंगा और आरएचएस में प्रूव करना है तो सिद्ध करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ दोस्तों, एलएचएस लिखूंगा ठीक है। एलएचएस है क्या तो बोलो कि सर लिमिट एस टेंड टू जीरो अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये दिया हुआ है आपका ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, ये दिया हुआ है क्वेश्चन और आपको यहाँ पर देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस का दिया हुआ है, अंडर रूट वन माइनस एक्स है। अगर आपका ये आपका अंश होता है, ये आपका हर होता है, मतलब ऊपर आपका अंश होता है ठीक है दोस्तों, नीचे आपका हर होता है। अगर अंश में आपका a माइनस बी दिया हुआ है और हर में आपका a प्लस बी दिया है, या फिर हर में और कुछ भी दिया हो, हर में कुछ भी दिया हो कोई मतलब नहीं, आपका ऊपर दिया है a माइनस बी, तो मैं क्या करूंगा इसके उल्टे साइन से a प्लस बी से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। समझ में आ गया, a प्लस बी से ऊपर नीचे क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा दोस्तों ठीक है। चलिए तो हम लोग करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, लिमिट एस टेंड टू जीरो ये क्या है, अंडर रूट वन प्लस एक्स है माइनस का अंडर रूट वन माइनस एक्स है अपॉन एक्स है ठीक है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किस से, ये a है ये b है, तो मैं a प्लस बी से, a क्या है आपके पास बोलो कि सर जी वन प्लस एक्स है, फिर प्लस का b क्या है आपके पास वन माइनस एक्स है अपॉन, यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी ठीक है, यहाँ पर भी a प्लस बी होगा ना दोस्तों। भाई a प्लस बी से मैंने क्या किया, आप लिखोगे यहाँ पर अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस का अंडर रूट वन माइनस एक्स से अंश और हर में गुणा करने पर, ये लिखोगे तो इतना हमने कर लिया ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा इसको आगे फिर लिखूंगा, लिमिट एस टेंड टू जीरो ऊपर क्या है आपका, इसको ब्रैकेट में रख लो दोस्तों, इसको ब्रैकेट में रख लो। तो आपको पता है कि अगर आपके पास अगर ऐसी घटना आती है कि a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ये घटना आपके साथ होती है तो इसका रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज है, a प्लस बी a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे a स्क्वायर, a हमारे पास क्या है तो बोलोगे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस का बी क्या है हमारे पास तो बोलोगे वन माइनस बी का वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ठीक। तो ये एक्स है जिसको हम ब्रैकेट में रखेंगे क्या वन प्लस एक्स, फिर प्लस का अंडर रूट वन माइनस एक्स रख दी ब्रैकेट में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं लिमिट एस टेन टू जीरो है ठीक है। यहाँ पर आपको पता है दोस्तों अगर अंडर रूट है, अंडर रूट है अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो अंडर रूट हट जाता है, अंडर रूट गायब हो जाता है, याद रखिएगा नोट कर लीजिएगा, अंडर रूट का स्क्वायर करने पर अंडर रूट आपका रिमूव हो जाता है। तो अंडर रूट रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा वन प्लस एक्स बचेगा, फिर माइनस का है यहाँ ब्रैकेट में लिख देना भाई, अंडर रूट रिमूव होगा, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे अंडर बढ़ जाएगा वन माइनस एक्स बच जाएगा ठीक है। अब वो बहुत लोग अच्छे सोच रहे होंगे दोस्त लोग, आप लोग
लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट में लगाए हो, क्यों? तो ब्रैकेट में लगाने का मेरी मजबूरी आ गई है क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस की वजह से इसलिए ब्रैकेट लगा है। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन बदल जाएंगे, ठीक है? नहीं तो आपको पता है कि माइनस होने पर अंदर का साइन बदलते हैं, तो डाइट भी कर सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स, फिर प्लस का अंडर रूट वन माइनस एक्स, ये बात समझ में आ गई। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम आगे चलते हैं, क्या है लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, यहाँ पे वन प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो वन प्लस एक्स हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या है बोलोगे, एक्स है ब्रैकेट में अंडर रूट वन प्लस एक्स, फिर प्लस का अंडर रूट वन माइनस एक्स है, ये बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, वन से वन आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, तो जो बचेगा उसको लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, वन वन कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस एक्स मतलब टू एक्स बच जाएगा, अपॉन में यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, फिर ब्रैकेट में ठीक अंडर रूट वन प्लस एक्स, फिर प्लस का अंडर रूट वन माइनस एक्स, ये बच गया, ठीक है दोस्तों? अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये एक्स कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा टू बचेगा, नीचे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे लिमिट लिख दीजिएगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट वन प्लस एक्स, फिर प्लस का अंडर रूट वन माइनस एक्स। दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई है, एक स्टेप और होगा आपको दिखेगा, ठीक है यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों? बोर्ड देखना पड़ता है, पूरा बोर्ड इस कमरे में नहीं आता है, सेट नहीं कर पाया हूँ दोस्तों, ठीक है? तो देखिएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, अब देखिएगा दोस्तों हो गया, इतनी बात फाइनल हो गई, इतनी बात आपको हो गई। अब इसमें अब दोस्तों इस वाले में आप लिमिट एक्स टेंड टू जीरो मतलब एक्स की जगह आप जीरो पुट कर दो, तो ऊपर देखो टू है, नीचे क्या है अंडर रूट वन प्लस जीरो, फिर बीच में प्लस है, फिर अंडर रूट वन माइनस जीरो। दोस्तों ऊपर तो क्या आएगा टू आएगा, ठीक है? यहाँ पर एक मत से जीरो ऐड करोगे तो क्या आएगा अंडर रूट एक आएगा, फिर प्लस एक मत से जीरो मान के ऊपर अंडर रूट एक आएगा। आपको पता है कि अंडर रूट एक का आंसर क्या होता है, एक होता है, एक कभी भी अंडर रूट के अंदर नहीं होता है। तो ऊपर क्या होगा दो होगा, नीचे एक प्लस एक हो जाएगा, मतलब दो बटे दो हो जाएगा, एक और दो एक को जोड़ोगे दो आएगा, दो से दो काट दोगे तो कितना आएगा एक आ जाएगा आंसर। तो आपको आपको यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। देखो दोस्तों तो मतलब इसका मतलब कि एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है दोस्तों? इसको नोट कर लीजिए। अब बताइए कहाँ दिक्कत, जहाँ कहीं भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत आएगी दोस्तों, ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ, देख रहे हैं कि आप पूरे पूरे पसीने से लदलद हूँ और गर्मी इतनी तेज हो रही है, पंखा मैं इसलिए नहीं चला रहा हूँ दोस्तों, पंखा चलाने पे बहुत आवाज़ें आती है पंखा की और डिस्टर्ब होता है आप लोग को पढ़ाई में। तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर ठीक है मेहनत की जा रही है, अगर आपको जरा सा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, सवाल अच्छे हैं, हम अपनी जान में सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों? अगर आपको अच्छा है, आप कहीं भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या नहीं आ रही, कैसे करना चाहिए आप लोग बता दीजिएगा, बिना आप लोग के सपोर्ट से कुछ भी नहीं होगा, ये हमको भी पता है, ठीक है दोस्तों? चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर बताएंगे, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चलें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि लिमिट एक्स टेंड टू ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर प्रूफ करना है लॉग ई ए, ठीक है दोस्तों? ये प्रूफ करना है आपको। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग पहले वीडियो में आपको मैंने फार्मूला बताया था, और जगह जहाँ फार्मूला बता रहे थे किसका भी फार्मूला मैंने बताया था, किसका ए की पावर एक्स का फार्मूला होता है वन प्लस एक्स लॉग ई ए प्लस का यहाँ पे बट अपॉन वन फैक्टोरियल होता है दोस्तों, फिर क्या होता है फिर प्लस का एक्स स्क्वायर लॉग ई का होल लॉग ई ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इसी प्रकार डॉट डॉट कहाँ तक दोस्तों इन्फिनेटी तक। ये फॉर्मूला आपको मैंने वहाँ पर बताया था, आज भी हम आपको यहाँ पर नोट करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है? इसी फॉर्मूले को हमारा यहाँ पे काम आएगा। अब है क्या, आपको पता है कि सवाल क्या दिया हुआ है दोस्तों? दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंड टू जीरो और ए की पावर एक्स माइनस का वन अपॉन एक्स,
ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, लॉग ई ए प्रूफ करना है दोस्तों। तो ये आपका एलएचएल है, एलएचएस है, ये आपका आरएचएस है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे दोस्तों। और ये सारे क्वेश्चन आपके पे आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको करनी है अब फर्स्ट ईयर और इंटर की, ठीक है। लिमिट एस टेन टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस का वन अपॉन एक्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, अब देखिएगा लिमिट एस टेन टू जीरो ए की पावर एक्स का फॉर्मूला हम रख देंगे यहाँ पर, क्या रख देंगे फॉर्मूला यहाँ पर रख देंगे, क्या है फॉर्मूला, ए है प्लस का एक्स लॉग ई ए, ठीक है, अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस का एक्स स्क्वायर और लॉग ई ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस का कहाँ तक इंफिनिटी तक, और आगे आपका दिया हुआ है माइनस का वन दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, माइनस का वन दिया हुआ है, यहाँ तक सही है, ठीक है दोस्तों। इंफिनिटी आप हटा भी सकते हो, डॉट डॉट इंफिनिटी तक, ये तो पता है कि ये डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अपॉन दोस्तों यहाँ पर एक्स, आपको ये पीछे का भाग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, हाँ राइट, यहाँ तक दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिएगा, मैं एक काम करता हूँ, ब्लैक पेन ले लेता हूँ, और आप देख रहे हो कि यहाँ से ये वाली वैल्यू आपकी कट जा रही है, प्लस माइनस कट जा रहा है। अब जो आपके पास बचा हुआ है दोस्तों, उसको हम लिख देंगे लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, क्या बचा हुआ है, एक्स लॉग ई ए अपॉन वन फैक्टोरियल फिर प्लस का एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में लॉग ई ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल फिर प्लस का डॉट आगे तक, ठीक है, आगे तक आपका बचा हुआ है, ठीक है। अपॉन का क्या है, एक्स है दोस्तों, ये अपॉन में एक्स चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो एक्स है, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स की पावर तीन होगा, एक्स की पावर चार होगा, डॉट डॉट ऐसे होगा। तो आप क्या करोगे, एक्स कॉमन ले लोगे, अगले स्टेप में क्या करोगे, एक्स आप कॉमन लोगे। जब आप एक्स कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा लॉग ई ए प्लस का बटे वन फैक्टोरियल वन, वन से कोई भी नंबर को डिवाइड करोगे ऊपर वाला ही नंबर आएगा, ठीक है, वन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, एक्स लॉग ई ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस का डॉट, ठीक है, ब्रैकेट में रख लो। और नीचे क्या है दोस्तों, नीचे क्या है आपका, नीचे एक्स है, ई वाला एक्स है, ई वाला एक्स कट जाएगा, देखिए एक्स कट जाएगा। अब फाइनल जो बचा हुआ है उसमें एक्स टर्न टू हम क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए लॉग ई ए प्लस का जीरो मल्टीप्लाई लॉग ई ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, इसी प्रकार आगे भी इनका हाल ऐसे ही होगा। आपको पता है जीरो से कोई भी चीज को मल्टीपल करते हैं तो वो भाग आपका जीरो आता है, और आपके पास बचा क्या, लॉग ई ए बचा, जो कि यही हमें प्रूव करना था। इस वजह से ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है, और आपने प्रूव कर दिया कि एल एच एस बराबर आर एच एस। अब फिर बोल रहा हूँ, आपको कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बता जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।